1000 साल पहले जेजाक भुक्ति की भूमि से पैदा हुआ एक नया साम्राज्य, जिसके राजाओं के उद्भव की कहानी मिथकों और दंत कथाओं में दबी है। कभी हमारी दुनिया में हेमवती नाम की एक रूप सी रहती थी। ऐसी सुंदरी कि देवलोक भी उस पर मोहित था। और एक रात तो स्वयं चंद्रदेव उसके रूप से आकर्षित होकर पृथ्वी पर उतर आए। चंद्रदेव और हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन कहलाया और उसने स्थापना की चंद्रवंशी चंदेल कुल की। भले ही उनकी उत्पत्ति रहस्यमयी रही हो, पर चंदेलों ने अपनी कई विरासत छोड़ी हैं। आला दर्जे की 84 इमारतें, सब वास्तुकला का बेजोड़ नमूना, कामुकता का प्रतीक। 500 साल बाद चंदेल राजपूतों का वंश खत्म हो गया। उनकी बनाई कुछ इमारतें तोड़ दी गई और कुछ खुद ही नष्ट हो गई। जो बची थी वो जंगल के आगोश में छिप गई। करीब 800 साल बाद भारत में ब्रिटिश आ गए। तब यहां के कई इलाकों की खोज तक नहीं हुई थी। फिर क्या था, भारत के अनमोल धरोहरों को ढूंढने और उनके ऊपर कब्जा करने की होड़ शुरू हो गई। सन 1838 में ब्रिटिश फौज के इंजीनियर कैप्टन टी एस बर्ट मध्य भारत के बुंदेलखंड से गुजर रहे थे। वहां के लोगों से उन्होंने उस इलाके में एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के बारे में सुना। बर्ट की उत्सुकता बढ़ी तो वो सब छोड़ छाड़ कर उस मंदिर की तलाश करने लगे। वो जंगल के अंदर तक जा पहुंचे। टीएस बर्ट ने खजुराहो को ढूंढ निकाला। दुनिया में मंदिरों का इतना बड़ा प्रांगण बहुत कम ही है। ये खोज भी जबरदस्त थी। खजुराहो के मंदिर आज के मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में हैं। अब सिर्फ 24 ही बचे हैं और उन्हें पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के मंदिरों में बांट दिया गया है। सन 1986 में यूनेस्को ने खजुराहो को विश्व धरोहर घोषित कर दिया। पश्चिम के मंदिरों का समूह सबसे ज्यादा मशहूर है। ये मंदिर ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म्स पर सैंडस्टोन से बनाए गए हैं और उन्हें बनाने की तकनीक भी बड़ी कमाल की थी। पत्थर की यह विशाल इमारत सिर्फ जोड़ों, गुरुत्वाकर्षण और संतुलन के सहारे खड़ी है। इसके कुछ स्तंभों और शहतीरों का वजन 20 टन तक है। कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, जो सबसे अद्भुत है। यह सबसे बड़ा भी है, 109 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा। इसका शिखर 116 फुट ऊंचा है। मंदिर की दीवारों पर हजारों छोटी छोटी मूर्तियां बनी हैं। नर्म सैंडस्टोन की वजह से शिल्पकारों को इसे गढ़ने और बड़ी बारीकी से अपनी कला को उकेरने का मौका मिला। इनमें से 90% मूर्तियां तो प्राचीन भारत के जीवन और पौराणिक घटनाओं पर आधारित हैं, लेकिन बाकी बची 10% मूर्तियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं और उत्तेजक भी। कामसूत्र की विभिन्न मुद्राओं को मंदिर की बाहरी दीवारों पर उकेरा गया है।
और उन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। 200 साल पहले कैप्टन टीएस बर्ड जैसे इन पवित्र दीवारों पर कामुक मूर्तियों को देखकर चौंके थे, उसी तरह से आज भी यहां आने वाले लोग दंग रह जाते हैं। तो इन्हें बनाने वालों के मन में क्या चल रहा था? हाँ, हमें तो वो मूर्तियाँ बड़ी ही कामोत्तेजक लगती हैं, लेकिन आज से हजार साल पहले उन लोगों के लिए वो बातें खास मायने नहीं रखती होंगी जिन्हें आज हम कामुक, अश्लील और असामान्य कहते हैं। तो ऐसे में आज 1000 साल बाद हम ज्यादा खुली सोच वाले और उदार है ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। सच तो ये है कि सदियों पहले के वो लोग हमसे कहीं ज्यादा खुली सोच वाले थे। खजुराहो की कामोत्तेजक मूर्तियाँ आज भी बहस का मुद्दा है, लेकिन सन 1838 में कैप्टन टीएस बर्ट ये बात नहीं समझ पाए थे। विक्टोरिया काल के रूढ़िवादी और नैतिकवादी ब्रिटेन में उन्होंने ये सब नहीं देखा था। तभी तो उन्होंने लिखा था कि उन मूर्तियों को देखकर उस जमाने के लोग कुछ ज्यादा ही कामुक हो जाते होंगे, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कई मूर्तियां बहुत ही अश्लील और काम भावना भड़काने वाली हैं, लेकिन खजुराहो की एक और बात बड़ी खास है। ज्यादातर हिंदू मंदिरों का रुख प्राचीन वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूर्व की तरफ होता है, लेकिन खजुराहो के कुछ मंदिर गणितीय पैमाने पर सटीक होने के बावजूद पूर्व दिशा से थोड़ा अलग हैं। कहीं ये कोई चूक तो नहीं थी? एक राय के मुताबिक ये मंदिर खगोलीय रूप से उगते सूरज की सीध में थे, लेकिन ऐसा साल में केवल एक ही दिन होता। कुछ मंदिरों में वो दिन शिव पार्वती के विवाह का दिन यानी महाशिवरात्रि का होता है, जबकि कई मंदिरों में उस दिन विष्णु के अवतार कृष्ण से जुड़ी होली मनाई जाती है। बसंत के मौसम में उगते सूरज की किरणें मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर वहां रखी मूर्ति को प्रकाशित करती हैं। वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण कहें या कामुकता फैलाने वाली कलाकारी, खजुराहो हमेशा भारत की सबसे गूढ़ पहेलियों में से एक रहेगा।